वेलकम बैक। कावासाकी निंजा, केटीएम 390 और होंडा सीबीआर 250R जैसी बाइक को चैलेंज करने के लिए यामाहा लेकर आ गई है अपनी एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक YZF R3 और कीमत है 3,25,000 रुपए। R15 और R1 के बाद R सीरीज की ये तीसरी बाइक है यामाहा की तरफ से और कितना दमखम रखती है बता रहे हैं कुमार संजय। यही है यामाहा की YZF R3, यानी उनके लिए जो कम कीमत में महंगे स्पोर्ट्स बाइक का फील चाहते हैं। तो पूछेंगे कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल है क्योंकि यामाहा ने अपनी R1 स्पोर्ट्स बाइक के DNA पर इस बाइक को तैयार किया है, तभी तो कई फीचर और डिजाइन R1 से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, क्या परफॉर्मेंस भी R1 की तरह है? तो चलिए करते हैं रेसिंग ट्रैक पर इस बाइक की टेस्ट ड्राइव। यामाहा के बेड़े में YZF R3 एंट्री लेवल की स्पोर्ट्स बाइक है। इसकी कीमत 3,25,000 रुपए है। यामाहा के बेड़े में R15 और R1 के बाद R सीरीज की ये तीसरी बाइक है। इसे R1 रेसिंग बाइक के DNA पर बनाया गया है। परफॉर्मेंस में ये 300cc सेगमेंट में किसी से कम नहीं है। दमदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें 321cc का ट्विन सिलेंडर इंजन है जो 42 PS पावर जनरेट करता है। R3 में 6-speed गियर ट्रांसमिशन दिया गया है। इसका इंजन काफी रिस्पॉन्सिव है क्योंकि इसमें इनलाइन 2 सिलेंडर इंजन लगा है, जिसकी वजह से बाइक थोड़ा सा थ्रॉटल खोलने पर आराम से 100 किलोमीटर स्पीड छू लेती है। और दूसरी बात, सिर्फ रफ्तार ही नहीं, पावर की डिलीवरी भी काफी स्मूथ है। आपको बार बार रेसिंग ट्रैक पर एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ता। और मैं आपको बता दूं, भारत में 300cc सेगमेंट में बनेली आई के बाद ये बाइक दूसरी बाइक है जिसमें इनलाइन 2 सिलेंडर इंजन लगा है। इस बाइक को डायमंड फ्रेम पर बनाया गया है जो स्लिम होने के साथ काफी मजबूत भी होता है, लेकिन रेस ट्रैक के साथ इसे सिटी में भी आराम से चलाया जा सके इसके लिए इसे लाइट वेट और एरोडायनामिक बनाया गया है। हाँ, इस बाइक में ABS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। स्पोर्ट्स बाइक पे हमेशा लोगों की शिकायत होती है सीटिंग पोजीशन को लेकर के, लेकिन इसका सीट काफी क्लीन और कंफर्टेबल है। अक्सर स्पोर्ट्स बाइक में लोगों को ऐसे बैठना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आम राइडर भी इस बाइक को चला सके इसके लिए इसका सीट की हाइट 1380 मिलीमीटर है। R3 की कीमत कॉम्पिटिटिव हो इसके लिए कंपनी इसे देश में ही असेंबल कर रही है। इस सेगमेंट में कावासाकी निंजा, बनेली, KTM 390 और होंडा CBR 250R पहले से मौजूद हैं, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि R3 अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के दम पर रेस में बाजी मार लेगी।